हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से फ्लड का लॉस हो गया। ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ बंद हो जाएंगे। गलत बात, ऑस्मो रिसेप्टर बंद नहीं होंगे, चालू होंगे। वो भी कैसे, जैसे ही बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी का फ्लूड जो है लॉस होगा, तुरंत हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट, हाइपोथैलेमस के लिए एक स्टिमुलेट पहुंचेगा और वहां से निकलेगा एडीएच, और एडीएच जब निकलेगा तो वो बॉडी फ्लूड को लॉस होने से कम करवाएगा। एंटी डायुरेटिक हार्मोन है ना, यूरिन को बार बार जाने से रोकेगा ना, और बॉडी फ्लूड को बाहर निकलने से कम करने की कोशिश करेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरिसिस, बिल्कुल सही बात है। ये एक्सेस अमाउंट में वाटर का लॉस बॉडी से ना हो जाए, इसलिए ये फैसिलिट करता है कि कम से कम यूरिन जाया जाए। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हो जाए, तो बी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट है ए एन एफ प्रोसेस वैसोडाइलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ए एन एफ वैसोडाइलेटर होता है, ये वैसोडाइलेशन करता है। डी है एडीएच कॉसेस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सही बात है। एडीएच यानी वैसोप्रेशन जो होता है, ये ब्लड प्रेशर के लिए बढ़ाता है। ई स्टेटमेंट है एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसे घटाएगा नहीं बढ़ाएगा एडीएच। तो ये ई स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। बी सी डी यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। थैंक यू।